वेलकम टू आरजे क्लासेस और मोशन इन वन डायमेंशन का आज हम लोग सेकेंड वीडियो करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो फर्स्ट वीडियो में आपके पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इन सब के बारे में डिटेल समझाया गया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, एसिलरेशन, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर टाइम बचा तो फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। चलिए एसिलरेशन, देखिए एसिलरेशन किसको बोलते हैं। अभी सपोज करो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले मैं समझा लूँ फिर डेफिनेशन लिखता हूँ। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसकी स्पीड कितने की है, 2 मीटर पर सेकेंड की है, ये इतने की स्पीड है। अब 2 सेकेंड के बाद आप देख रहे हो क्या, इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकेंड की। स्पीड तो चेंज हुआ या वेलोसिटी तो चेंज हुआ इसके पास, कितने का चेंज हुआ, तो ये आप बोलोगे क्या 4 मीटर पर सेकेंड की चेंज हुई है। और चेंज कितने टाइम के अंदर हुआ, 2 सेकेंड के अंदर हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4/2 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो होता है ये पर यूनिट टाइम के अंदर, प्रॉपरली समझिए यूनिट टाइम की बात कर रहा हूं मैं हमेशा। तो यूनिट टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंज आता है उस चेंज को ही आप क्या बताते हो, एक्सेलरेशन। अगर मैं आप डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन देखो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या लिखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ये डेफिनेशन मिल चुका है आपको, डेफिनेशन आप क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, कैसे लिख रहे हैं समझ में गया। अब चलिए यूनिट की बात कर लो, तो यूनिट देखो जरा अच्छी तरह से, यूनिट आपने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा, पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है। तो देखो रेट का मतलब क्या होता है, पूरे फिजिक्स में आप एक बात अच्छी तरह दिमाग बैठा लो, रेट का मतलब होता है क्या, पर्टिकुलर क्वांटिटी को आपको टाइम से डिवाइड करनी है। तो आप क्या बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो लिख दो जरा सा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या लिखोगे, टाइम। अब जरा से यहां बात करो तो वेलोसिटी के लिए आप यूनिट क्या लिखते हो, यूनिट मैं समझा रहा हूं कैसे लिखोगे आप। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन था जो था हमने लिख दिया। अब आप बात करो कि आपके पास वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो आप बोलते हो वेलोसिटी का यूनिट मेरे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या है मेरे पास, सेकेंड, इक्वल टू क्या मिला मेरे पास, मीटर बाय सेकेंड इंटू सेकेंड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरे पास क्या आ गया, यूनिट आ गया। अब देखो यहां से फिर इस यूनिट को लेकर कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाई यूनिट ऑफ टाइम इज रिटन इन स्क्वायर व्हाइल राइटिंग द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट जब लिख रहे हो तो टाइम को आप स्क्वायर में क्यों लिखते हो, आप इसका एक्सप्लेनेशन करना होगा, प्रॉपर आंसर देना होगा। तो देखो यहां पे प्रॉपरली समझना, जो पहला यूनिट ऑफ टाइम लिखे हो किसके लिए लिखे हो, दैट इज फॉर वेलोसिटी। पहला यूनिट किसके लिए है, पहला यूनिट वेलोसिटी के लिए है, और दूसरा यूनिट जो आप टाइम लिखे हो किसके लिए, चेंज इन वेलोसिटी के लिए। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लिखोगे क्या, बिकॉज फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम इज रिटेन फॉर वेलोसिटी एंड सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम इज रिटेन फॉर चेंज इन वेलोसिटी, दैट्स व्हाई यूनिट ऑफ टाइम इज रिटेन इन स्क्वायर व्हाइल राइटिंग द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एग्जैक्टली आप वर्ड टू वर्ड यही आंसर लिखना। तो ये आपके पास आ गया क्या, मीन्स एक्सेलरेशन। अब देखो एक और वर्ड आ गया क्या, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। देखो रिटार्डेशन मैं समझा दूं, आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ जाओगे। सपोज करो आपके पास क्या होता है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपका बाइक रन कर रहा था, आप साइकिल चला रहे थे, अचानक से आपको क्या होगा, ब्रेक लगाना पड़ा। तो ब्रेक लगाओगे तो आपका स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है अचानक से क्या होगा, कम होगा। अब तो 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, सपोज करो क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड आपने कम कर दिया। और सपोज करो कितने देर में, ये 2 सेकेंड के अंदर आपने किया। तो अभी क्या हो गया आपके पास, ये चेंज हो गया, ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल था। तो आपके पास चेंज कितने का आया, चेंज आ गया 3 - 5 इक्वल टू क्या हो गया, -2। अगर आप रेट की बात करो तो 2 सेकेंड के अंदर कितना हो गया, -2। तो 1 सेकेंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो -2/2 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास चेंज आया। देखो तो माइनस साइन को आपको न्यूमेरिकल्स में यूज भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, ये माइनस साइन आपको हमेशा इंडिकेट करेगा कि आपका जो वेलोसिटी था वो इंक्रीज नहीं हुआ था, वेलोसिटी क्या हो गया है, डिक्रीज हुआ है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स।
ये समझ में आ गया आपको रिटार्डेशन। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन, तो ये आप समझ लो। अब देखो इसके बाद हमको मिस एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक डेरिवेशन प्रूफ करना होता है। डेरिवेशन इज वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये अपने पास डेरिवेशन है और हमको यहीं से क्या करता है प्रूफ करना होता है। तो चलो जरा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं। लेट कर लो, लेट एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ initial velocity equals to u after time t, time taken कितना आपके पास है, time equals to t after time t due to the application of the force, क्योंकि force लगाओगे तभी आप क्या कर रहे हैं accelerate करेगा। so after time t its final velocity become कितना v and acceleration produced equals to a, ये आपने क्या किया लिट कर लिया, क्योंकि आप जनरली इनिशियल वेलोसिटी को u से, फाइनल वेलोसिटी को v से, एक्सीलरेशन को a और टाइम को t से, पूरे के पूरे फिजिक्स में आप इसी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करते हो। अब आपसे बोल रहा है क्या हमको प्रूफ करना है क्या v equals to u plus at, बहुत सिंपल है, सिर्फ आप जो एक्सीलरेशन का डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप याद रखना, पूरा का पूरा आप अपने आप कर पाओगे। अब एक्सीलरेशन का डेफिनेशन लिखते हैं, तो एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आप क्या लिखते हो, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या लिखते हो आप, टाइम। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास, चेंज मतलब क्या, जो फाइनल था उसको आप इनिशियल से माइनस करोगे, तो लिख दो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय क्या, टाइम। अच्छा तो एक्सीलरेशन आप देखो जरा सा, तो एक्सीलरेशन के लिए आपके पास कितना एक्सीलरेशन आप सपोज करो प्रोड्यूस हुआ, ए आपने लिख दिया a, तो a इक्वल्स टू आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी का है v, आपने लिख दिया v, आपके पास साइन क्या था माइनस का लिख दिए, इनिशियल वेलोसिटी कितने का है u, आपने लिख दिया u, और टाइम कितना आपके पास है t, आप लिख दिए हो। अब देखो जरा सा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो at इक्वल्स टू क्या मिला आपके पास v माइनस u, और at प्लस u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, v माइनस था इस तरफ आया तो क्या हो गया प्लस हो गया, सो v इक्वल्स टू u प्लस at अरेंज कर लिया हम, ये आपके पास प्रूफ हो गया। अब देखो लास्ट टर्म आपके पास एक और है, इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। लास्ट टर्म क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो जरा सा एक्सीलरेशन हो क्या रहा है, जनरली आपके पास अगर मोटर बाइक है, साइकिल है, जो भी है, तो एक्सीलरेशन कैसे आता है, जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, सपोज करो आप साइकिल चला रहे हो, जब तक आप पैडल पे फोर्स नहीं लगाओगे तब तक एक्सीलरेशन आएगा नहीं, साइकिल जहां था वहीं रुका रहेगा, तो मतलब आपको फोर्स लगाना है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट सपोज करो आप छत पे खड़े हो, छत से एक स्टोन को नीचे गिरा रहे हो, ये सपोज करो मार्कर है, हमने नीचे गिराया, तो नीचे गिराते समय हमने तो पकड़ा हुआ था और छोड़ दिया, कोई फोर्स लगा रहे हो क्या, नहीं लगा रहे हो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। फोर्स किसका लगता है, अर्थ, अर्थ जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर क्या करता है, एग्जर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट जो है बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ये ऑब्जेक्ट कहां पे अभी रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट जो अपने पास अभी है रेस्ट में है, और ये रेस्ट में होने के बाद हमने यहां से छोड़ा और ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरा तो क्या हो गया, एक्सीलरेट होता चला गया, ऑल दो हमने फोर्स नहीं लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स किसके वजह से है, अर्थ के वजह से है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसीलिए क्या होता है, इस समय जो इसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा, उस एक्सीलरेशन को आप नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करोगे, व्हाट इज दैट, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिखता हूं मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन देखो डेफिनेशन लिख दूं मैं, एक्सीलरेशन पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन पोजेज बाय एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब देखो जरा सा, अभी कभी कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पढ़ रहे, मतलब क्या होगा, एक छोटा ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा एसिलेशन, बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बहुत छोटा मिस ऑब्जेक्ट है तो कम एसिलेशन, मिस बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बहुत ज्यादा ऑसिलेशन, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये मास पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। और इसके लिए वैल्यू क्या होता है, जी की वैल्यू जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होता है। तो ये करीब करीब जो था आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स पहले क्या लिखा है, एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया है ले लेते हैं। तो पहला केस वन में क्या क्या आपके पास है, आपके पास है फर्स्ट 30 किलोमीटर, आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है कितने का 30 किलोमीटर, स्पीड आपके पास दिया हुआ है कितने का 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप टाइम निकाल लो, टाइम की कॉस्ट क्या हो जाएगा, लिख दिए तो क्या आ जाएगा 30/60, ये हो गया आवर, 31 जा सो 1/2 आवर, मतलब 30 मिनट अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। सो अभी देखो जरा सा केस टू, ये आ गया आपके पास दिस वन, फिर क्या बोलता है एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास कितना दिया है, अगेन 30 किलोमीटर, आपके पास स्पीड दिया कितने का 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास पर आवर, आपके पास निकाल लो टाइम, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल्स टू, तो 30 बाय कितना आ जाएगा आपके पास 40, ये क्या आ जाएगा आपके पास आवर, तो ये गया इक्वल्स टू 3/4 आवर, ये निकल आया। अब आपको फाइंड क्या करना है, टोटल टाइम फाइंड करनी है और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो लिख दो जरा सा, नंबर वन टोटल टाइम, टोटल टाइम इक्वल्स टू 1/2 + 3/4, ये क्या आ जाएगा आवर, इक्वल्स टू कितना निकल आया आपके पास, ये आप ले लो एलसीएम ले लो, 4 निकल आया, 2 + 3 इक्वल्स टू 5/4, ये आ गया आपके पास आवर, ये निकल आया 2 और 3 5/4 आवर। अच्छा दूसरा बात बात कर ले जरा सा हम, अब बात कर फाइंड करने के एवरेज स्पीड। तो देखो जरा सा एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज निकालना मैं तो सीखो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास है कितना 30 पहले, फिर 30 और टाइम कितने का आपके पास है तो 5/4, ये आपके पास क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर, इक्वल्स टू 60 × 4/5 किलोमीटर पर आवर, इक्वल्स टू 5/12 जा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये निकल आया आपके पास। अब आता दूसरा बड़ा क्या, तो अब दूसरा देखो जरा सा, अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट इन 100 सेकेंड। देखो इस चीज को अच्छी तरह से दिमाग में रखना, फिजिक्स में आपके पास यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां देखो अपने पास डिस्टेंस किसमें था किलोमीटर, स्पीड किसमें था किलोमीटर पर आवर में, तो हमने चेंज नहीं किया, जो जैसा था हमने लिखते चले गए। लेकिन यहां देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपके पास टाइम किसमें दिया है सेकेंड में, आपके पास जो डिस्टेंस दिया है वो किसमें दिया है किलोमीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज हम किसको करेंगे, डिस्टेंस को कर लेते हैं, इजीली पड़ेगा। तो चलो जरा सा सॉल्यूशन, आपके पास डिस्टेंस कितने दिया है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, टाइम कितने का दिया आपके पास 100 सेकंड का, और आपको फाइंड क्या करने है स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए दोनों के लिए फॉर्मूला तो मेरे पास क्या है सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका क्या हो जाएगा अलग होगा। तो आप लिख दो जरा सा इसको निकालने के लिए, तो आप स्पीड का फॉर्मूला लिख दो, वेलोसिटी इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू दोनों के लिए सिंबल में क्या लिखते हैं सेम, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल्स टू 1000 बाय क्या आ जाएगा 100 और ये मीटर पर सेकेंड गया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मेन आपका जो काम स्टार्ट होता है अब स्टार्ट होता है, आपको क्या क्या बोला स्पीड एंड वेलोसिटी। तो एक स्पीड इक्वल्स टू क्या निकल आया 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं जो जैसा था वैसे लिखती है। अब क्या बोलता है वेलोसिटी लिखते समय क्या बोला, कवर 1 किलोमीटर, देखो यहां से ड्यू ईस्ट यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन आपको दिया हुआ ड्यू ईस्ट। तो अब अगर आप वेलोसिटी लिखते हो तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड
क्या जाएगा, ड्यू ईस्ट। अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते हो तो पूरा करने के बाद भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग समझा जाएगा, तो ये आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखो यार ऐसा, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो देखो जो जो सॉल्यूशन अपने पास करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, तो आपके पास यू, यू क्या बोलते हो आप, इनिशियल वेलोसिटी कितने का आ गया, जीरो। एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 180 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपके पास फाइनली कितने का है, 180 मीटर पर सेकेंड का, और आपके पास टाइम दिया है कितने का, 0.5 आवर। देखो अब यहां भी परेशानी है, टाइम आपके पास दिया हुआ कितने का, 0.05 ये आवर दिया हुआ है। तो लेकिन देखो एक प्रॉब्लम, अपने पास जो स्पीड है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो टाइम भी किसमें होनी चाहिए, सेकंड में होनी चाहिए। कन्वर्ट कर लेते हैं 0.05, तो आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करें, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से, और फिर इसको सेकंड में मल्टीप्लाई करें तो किससे मल्टीप्लाई होना, 60 से। ये डायरेक्टली हमने क्या किया, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपके पास वैल्यू कितना निकलेगा, 180 सेकंड। और आपको फाइंड क्या करनी है, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू फार्मूला याद है ना, v माइनस u बाय t, अभी आपको डेरिवेशन करके दिखा देते हैं। तो चलो वैल्यू पुट कर दो, v कितने का, 180 माइनस u कितने का, 0/180 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट लिखते समय मिस्टेक मत करना, क्योंकि ये सारा अगर मिस्टेक करोगे मार्क्स कटता चला जाएगा। इक्वल्स टू 180/180 ये गया, क्या जाएगा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू निकल आया। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ कार इनिशियली मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कम्स टू ए स्टॉप इन 2 मीटर 2 सेकंड, फाइंड इट्स रिटार्डेशन, रिटार्डेशन ऑफ द कार इन एसआई यूनिट। तो देखो एसआई यूनिट क्या होता है, चलो जरा बात कर ले पहले। तो आपके पास जो दिया है इनिशियल जो मूविंग विथ है क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, तो आपके पास यू कितने का दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपके पास जो फाइंड करना है वैल्यू किसमें फाइंड करना है, एसआई यूनिट में, तो एसआई में तो किलोमीटर वगैरह ऐसा कुछ चलेगा नहीं, आवर भी नहीं चलेगा, क्या चाहिए वहां पे, मीटर और सेकेंड चाहिए। तो इसको चेंज कर लो, 18 × 5/18 ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। देखो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया हो और इसको चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, आप जो भी क्वांटिटी है, जो भी नंबर है आपके पास, उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरा यू निकले आपके पास, कम्स टू स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या, आपके पास बी कितने का मिला, 0 का मिला, और कितना टाइम के अंदर, t = 2 सेकंड। अब आपके पास फॉर्मूला है एक्सीलरेशन के लिए, रिटार्डेशन के, a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t, इक्वल्स टू v कितने का, 0 माइनस 18/2 ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल्स टू -18/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 9 जा -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव साइन क्या करता है, शो करता है रिटार्डेशन हुआ है, अगर पॉजिटिव साइन होता मतलब एक्सीलरेशन, नेगेटिव साइन है मतलब ये बता रहा है क्या, ये रिटार्डेशन हुआ है। देखो नेक्स्ट सम्स, अ कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो पहला इंफॉर्मेशन मिल चुका है, लिख दो u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। द ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो u मिला अपने को कितने का, 20 मीटर पर सेकंड। फिर बोलता था ब्रेक्स आर अप्लाइड टू रिटार्ड इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास ए दे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मिला आपके पास। आफ्टर 5 सेकंड आपसे क्या बोला, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद टी आपके पास क्या मिला, आपके पास 5 सेकंड। अब आपको बोल रहा है क्या कि निकाल के बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या निकालना, आपको निकालना क्या है, वी निकालना है, वी आपके पास निकालना। तो v इक्वल्स टू क्या होगा, ये आ गया, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। आपके पास देखो जरा सा, तो आपके पास जो जो वैल्यू है वैल्यू पुट करते चले जाओ, आपके पास t कितने का है, 5, a कितने का है, 2, तो लिख दो 2 इक्वल्स टू, आपके पास u कितने का है, 20, v कितने का है, आप क्या कर रहे हो, v आपके पास निकालना है, तो v माइनस 20 बाय कितना आ जाएगा आपके पास, दिस वन, तो ये t कितना आया आपके पास, 5। तो आपके पास देखो, अच्छा ये कैसा, ये रिटार्डेशन है, किसमें लोगे आप, निगेटिव,
ये आपके पास आ गया क्या, नेगेटिव। सो माइनस टेन इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी माइनस ट्वेंटी, एंड वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टेन प्लस ट्वेंटी। तो वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहां लिख दो जरा सा, तो वी इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास निकल आया। तो ये आपके पास दो हो गया, और ये लास्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल्स निकल आया आपके पास विद दिस वन, दिस वन। अच्छा देखो यहाँ, ओहो सॉरी, यहाँ देखो जरा सा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये 18 तो किलोमीटर था, लेकिन हमको किस में चाहिए था, एस एस मीन। तो मेरे पास कितने का है, फाइव है, ये फाइव, ये कितने का निकल आया मेरे पास, ये जरा सा इरेज कर लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा लिखते समय। तो माइनस फाइव बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखो ये माइनस साइन क्या करता है, शो करता है आपका आंसर क्या होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस साइन शो करता है क्या हो गया, रिटार्डेशन हुआ है। लास्ट सम्स अपना करते हैं इस चैप्टर का। अब बाइसाइकिल इनिशियली मूविंग विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, तो सॉल्यूशन ले लो, आपके पास यू दे दिया कितने का, 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेट्स फॉर 5 सेकेंड, कितने देर के लिए, आपके पास t इक्वल्स दे दिया 5 सेकेंड। एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपके पास ए भी दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेट हुआ है, रिटार्ड नहीं हुआ है। और आपको पूछा क्या, व्हाट विल बी इट्स फाइनल वेलोसिटी, तो आपके पास फॉर्मूला है a इक्वल्स टू v, हमको क्या करना है, निकालना है a इक्वल्स टू v माइनस u बाय t। तो आपके पास a कितने का है, लिख दो 2 इक्वल्स टू, v कितने का है पता नहीं, माइनस a कितने का है आपके पास, u सॉरी a a u u आपके पास है कितने का, 5, और t कितने का आपके पास है, 5। तो 10 इक्वल्स टू v माइनस 5, और v इक्वल्स टू 10 प्लस 5, सो v इक्वल्स टू क्या निकला आपके पास, v इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी निकल आया।